महंग क्या सरकार चूरन दे रही है सबको जी, हाँ 2 रुपए कम कर दे रही है, 10-10 रुपए बढ़ा दे रही है सीधा जी। हम लोग कहाँ गाड़ी चलेंगे, अब चल रहे हैं बैल से चलेंगे हम लोग सीधा। लाइव न्यूज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ता है परेशान। चैनल के संवाददाता रमन यादव ने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पाया कि आम जनमानस पर पड़ रहा है काफी प्रभाव। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। स्वागत है आपका खबर 24 लाइव न्यूज में, मैं हूं आपके साथ रमन। आज हम उपस्थित हैं बधमा से, रोड लगा हुआ है जमालापुर होते हुए बाबतपुर जाता है एक पेट्रोल पंप पर। आज पूरे भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल महंगा होता जा रहा है, पूरा भारत परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए मैं इनसे पूछता हूँ। सर आप बताइए, जो पेट्रोल और डीजल आज महंगा हो रहा है इसके बारे में आप हमको कुछ बताइए। महंग क्या सरकार चूरन दे रही है सबको जी, हाँ 2 रुपए कम कर दे रही है, 10-10 रुपए बढ़ा दे रही है सीधा जी। हम लोग कहाँ गाड़ी चलेंगे, अब चल रहे हैं बैल से चलेंगे हम लोग। पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। आइए हमारे साथ एक व्यक्ति उपस्थित है, सर बताइए आप, जो पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ रहा है इसके बारे में हमको आप बताइए। इसके बारे में हम क्या बताएं, माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी जब से आए हुए हैं तब से डीजल पेट्रोल और जो भी कार्य कर रहे हैं अपने मनमानी ही कर रहे हैं जी। इसके बारे में किसी की सुनाई नहीं हो रहा है जी, इसलिए कि जो भी कार्य कर रहे हैं अपने मर्जी से कर रहे हैं। महोदय जी तब से डीजल पेट्रोल इतना बढ़ा दिए है, बिजली का बिल इतना बढ़ा दिए है, सिंचाई नहीं हो पा रही है और गाड़ी नहीं चल पा रही है। हम लोग इतने परेशान हैं कि क्या करें, जनता पर आपस में तड़फड़ा रही है, लेकिन माननीय महोदय जी मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी क्या करें, उनके मर्जी में जो आएगा वही करेंगे। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, डीजल पेट्रोल की बातें छोड़ के बिजली भी ज्यादा बढ़ गई है, तो लोगों की समस्याएं बहुत हैं। हमारे साथ जो पेट्रोल भरते हैं, एक बार फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए सर, जो लोग यहां पेट्रोल भराने आते हैं तो आपसे कुछ कहते हैं कि नहीं पेट्रोल महंगा हो गया? कहते हैं बहुत मांग हो गया, कैसे हम लोग चले जी। क्या जवाब आप देते हैं? यही जवाब देते हैं, जब मांग कर देते हैं हम लोग क्या करें भाई। जैसा कि पेट्रोल पंप मालिक और पेट्रोल पंप वर्कर क्या करेंगे भाई, जब पूरे भारत में गवर्नमेंट बढ़ा रही है पेट्रोल, तो ये लोग क्या करेंगे। साथ इस पेट्रोल पंप पर काफी लोग से मैं मुलाकात कर रहा हूँ। सर आप बताइए, जो पेट्रोल डीजल लगातार पूरे भारत में महंगा हो रहा है, आप कैसे बढ़ा रहे हैं पेट्रोल? महंगा तो ऐसा लग रहा है सर ना जी कि जीना दुर्लभ हो गया है ये भाजपा के राज में, ऐसे ज़्यादा आप न कुछ कहिए न कहवाइए। तो हमारा भी सर सिस्टम है, आप डीजल पेट्रोल बारे में हमको बताइए। डीजल पेट्रोल के बारे में दुनिया जान रही है, हम क्या बताएं। 100 रुपया डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया है 90-92 रुपया, 85-82 रुपया जो है मतलब डीजल। तो जैसा कि कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, हम लोग एकदम परेशान हो चुके हैं। एक व्यक्ति और उपस्थित है इस पेट्रोल पंप पर। सर जो डीजल पेट्रोल लगातार पूरे भारत में महंग हो रहा है, सारी जनता का कहना है कि हम लोग कैसे चलेंगे, तो बताइए आप कुछ डीजल पेट्रोल की बात। ऐसा है कि रेलवे पर जो आमदनी होती थी रेलवे से सरकार की बंद हो गई जी ना, और बसों पर जितनी थी आमदनी सब बंद हो गई लॉकडाउन के कारण। सरकार ने इतना पैसा दे दिया है सबको, उसका पूरा करने के लिए कहीं कहीं भार देना पड़ेगा ठीक। तो पेट्रोल डीजल पर दें या शराब पर दें, शराब पर सरकार को चाहिए शराब पर दुगना दाम कर दें, मेरा कहना यही है। जैसा कि चचा कह रहे हैं कि रेलवे से सारी आमदनी बंद हो चुकी हैं और जो कमियां हो रही हैं डीजल पेट्रोल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद खबर 24 के साथ। और आइए हमारे साथ एक चचा और हैं, मैं इनसे भी इसके बारे में आप हमको बताइए, आपको नहीं महंगा लग रहा? नहीं महंगा लग रहा है। अच्छा हाँ, इतनी खैराती जो बांट रही है गवर्नमेंट वो अपने घर में रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद तिवारी है। तिवारी जी आप हमको ये बताइए, पार्टी का नहीं, पार्टी की बात नहीं, तिवारी जी आप हमको ये बताइए, पूरी जनता परेशान है इस समय, आप हमको बताइए। सारे सबके घर में LED जो है 32 इंच की TV लगी रही है, हर घर में एक गाड़ी की जगह 4-4 गाड़ी, कोई जनता दुखी नहीं है जी। आज हमारे साथ एक लोग और उपस्थित है, इनसे भी मैं पूछता हूँ, जो डीजल पेट्रोल आज पूरे भारत में लगातार बढ़ रहा है, आप इसके बारे में आपको महंग नहीं लग रहा है? अरे महंग तो है भैया, बहुत महंग है। तो कैसे चल रहे हैं आप? मजबूरी है, चलना तो है ही है। जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि मजबूरी के साथ हम लोग चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल लगातार महंग हो रहा है। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, सर आप बताइए, जो डीजल पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, आपको महंग नहीं लग रहा? बहुत महंग है सर, इतना महंग है चलना मुश्किल हो गया है, लेकिन मजबूरी है, बिना खाए चल ही नहीं जा सकता। वैसे पेट्रोल है, बिना पेट्रोल के हम अपना काम नहीं कर सकते, मजबूरी बन गई है कि पेट्रोल हमको भराना ही पड़ेगा। इसके पहले सर कितना सस्ता था? बहुत सस्ता था सर,
जैसा कि इतना पूरे भारत में मांग हो रहा है, आपको मांग नहीं लग रहा है? हाँ, मांग तो लग रहा है जी, काफ़ी परेशानी हम लोगों को हो रहा है जी। किसानी कार्य करने में काफ़ी परेशानी हो रहा है, खेती करने में, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और सरकार से निवेदन है कि ये पेट्रोल डीजल का कीमत कम की जाए। तो जैसे आप किसान हैं? हाँ जी, हम किसान हैं। खुद आप जुताई अपने ट्रैक्टर? हाँ, जैसा कि कह रहे हैं, हम एक किसान भी हैं, इतना ज़्यादा डीजल और पेट्रोल महंग हो रहा है, हमको बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। खबर 24 के साथ मैं रमन, नमस्कार।